तो गाइस आज दुर्गा अष्टमी है। हम लोग सुबह सुबह अभी नहा धो के मंडप में चले आए हैं और आज के दिन बिना खाए पिए यहाँ पे मंत्र पढ़ा जाता है पंडित जी के द्वारा और हम लोग भी पूजा में शामिल होते हैं। तो देखिए आगे का, यहाँ हम सब बैठ गए हैं, अभी वहाँ मंत्र पढ़ा जा रहा है, थोड़ी देर में पूरी तरह से पूजा स्टार्ट हो जाएगी, तो पूजा में शामिल हो जाइए हमारे साथ। गाइज यहाँ पूजा अभी ख़त्म हो चुकी है तो कुछ क्लिक हमने किया है फ़ोटो, तो उसी को आप देख लीजिए क्योंकि यहाँ उतना वीडियो बनाते नहीं बना क्योंकि बहुत शोर हो रहा था। तो अभी पूजा ख़त्म हो चुकी है पूरी तरह से, सबको बहुत तेज़ भूख लगी है क्योंकि बिना खाए पिए पूजा में शामिल होना था। अब जा रहे हैं घर की तरफ जहाँ हम लोग रुके थे शुभ के चाचू के यहाँ, तो अभी वहाँ जाने के बाद सब पेट पूजा करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। आपको अभी नहीं बताऊंगी, वहाँ पहुँचने के बाद बताऊंगी कि हम लोग कहाँ निकलने वाले हैं। तो चलिए, अरे 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 चोट लग जाएगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में, पहले हम लोग पेट पूजा कर लेते हैं। अरे चलो हटो, मुझे जाने दो। तो मैंने कहा था कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं, हम लोग जा रहे हैं मछली पकड़ने। हाँ, यहाँ बहुत बड़ा एक तालाब है, वहाँ हम लोग मछली पकड़ने जा रहे हैं। तो वहाँ जाने के बाद आपसे मिलते हैं, तब तक आप देखिए यहाँ की ग्रीनरी, गांव का एकदम सादगीपन और चारों तरफ पानी ही पानी। यहाँ हर किसी के घर में छोटे 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 तालाब होता है जिसे पोखर कहते हैं। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट। ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है ना गांव का, मुझे तो बड़ा मज़ा आया यहाँ आने के बाद। सच बोलूँ ना गाइस, मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना, एक अपनापन सा यहाँ पे लग रहा है पूरा। पहुंच गए हैं, करीब आधा पौन घंटा लगा यहाँ पे पहुँचने के लिए, हम अपनी जगह पहुँच गए। देखिए कितनी सुंदर जगह है, चारों तरफ बड़े बड़े पौधे और बीच में से रास्ता। तो चलिए, देखिए बैग में ना पूरा सामान है मछली पकड़ने का, मछली को खाना देने के लिए हम लोग कुछ ले आए हैं, आटा और मुर्रा। कितना प्यारा नज़ारा आप देख रहे हो सामने का। यहाँ पे ना गाइस मछली पकड़ने के लिए उसके खाने की तैयारी की जा रही है, मछली पकड़ने के लिए मछली को फंसाया जा रहा है ताकि मछली इस मछली को खाए। वाह क्या जंबल वर्ड यूज़ कर लिया मैंने। ये देखिए मुर्रा ले आए हैं, कुछ हमारे खाने के लिए, कुछ मछली के खाने के लिए। ये धीरे 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 दाड़ा बापी दाड़ा यहाँ पे केकड़ा पकड़ा जा रहा है, पर इनसे नहीं बनेगा मेरे से लग रहा है क्योंकि ये पेशे से मछुआरे नहीं है। नहीं पकड़ा। फाइनली केकड़ा पकड़ लिया है। यहाँ पे एक मछली पकड़ी गई है पर मैं उसे पकड़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो बहुत उछल रही है, मुझे डर लग रहा है। ये है वो सुंदर सी मछली। दो तीन घंटे तक हम लोग वहाँ थे, मछली उछली सब पकड़ लिया, खा पी लिया, अब जा रहे हैं घर के तरफ। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, दोपहर का लंच करेंगे, उसके बाद फिर शाम को जाएंगे घूमने के लिए। तो लीजिए दोस्तों, शाम को हम लोग घूमने के लिए निकल आए हैं। इतनी भीड़ थी कि लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर कोरोना चल रहा है अभी। तो अभी क्या है कि इतने भीड़ में हम लोग ज़्यादा वीडियोज़ ले नहीं पाए, तो कुछ पिक्स ही आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हम लोग मिल के गए थे घूमने के लिए। अभी गाइस कोरोना है करके मंडप उतने अच्छे से सजाया नहीं है, पंडाल उतने अच्छे से सजाया नहीं है, नॉर्मल देवी ही बैठी है,
नहीं तो यहाँ पे जो मंडप बनता है, पंडाल जो सजता है, देखते ही मतलब आपकी आंखें एकदम धरी की धरी रह जाती है। इतना सुंदर यहाँ का पंडाल बनता है, पर इस बार ये 2 साल से यहाँ नहीं बन रहा है उतने अच्छे से। कारीगर तो एक से एक है। दूसरी जगह जो गए थे वहाँ पे बहुत भीड़ थी, इसलिए फिर वीडियो नहीं ले पाई, तो कुछ पिक्स ही हम लोगों ने ले लिया था। अब ये आ गए हैं और एक जगह, चलिए आपको अंदर दिखाते हैं।